नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। बात हरियाणा की सियासत की करेंगे। कांग्रेस हरियाणा के अंदर अपने सत्ता के बनवास को खत्म करने की हर संभव कोशिश कर रही, लेकिन पार्टी की अंदरूनी कलह ही उसकी सबसे बड़ी टेंशन बन गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा फुल एक्टिव मूड में नजर आ रहे हैं, तो रणदीप सुरजेवाला और चौधरी बीरेंद्र सिंह अपने अपने बेटे की सीट पर उनको दिलवाने के लिए लगे हुए हैं। कांग्रेस की दलित चेहरा और सांसद कुमारी शैलजा खुद को चुनाव प्रचार से दूर रखे हुए हैं और वो ना केवल जनसभाएं कर रही हैं और ना ही सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव नजर आ रही। ऐसे में शैलजा की खामोशी भूपेंद्र हुड्डा की बेचैनियों को बढ़ा रही है। ये सियासी टकराव कांग्रेस का खेल कहीं ना बिगाड़ दे, इसका भी डर कांग्रेस पार्टी को बना हुआ है। साल 2019 की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव और उसके बाद 2024 लोकसभा चुनाव में कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह की जोड़ी कुछ हद तक सफल रही। हुड्डा जाट तो शैलजा दलित वोट को कांग्रेस के पक्ष में जोड़ने में कामयाब रहे और जाट दलित वोट समीकरण की बदौलत कांग्रेस हरियाणा की सत्ता में वापसी का ताना बुनना बुन रही। लेकिन शैलजा के विधानसभा चुनाव से दूरी बनाए जाने के चलते मामला अब गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल शैलजा ना तो कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी करने के समय दिखाई दी हैं और ना ही अब चुनाव प्रचार करती हुई किसी भी कैंडिडेट के लिए वो नजर आ रही। सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा हरियाणा में कांग्रेस की सबसे बड़ी दलित चेहरा है। हरियाणा में करीब 20% दलित मतदाता हैं और कुल 90 में से 17 विधानसभा सीटें दलितों के लिए सुरक्षित हैं, लेकिन सियासी प्रभाव उससे भी कहीं ज़्यादा हरियाणा के अंदर दलितों का माना जाता है। विधानसभा चुनाव के टिकट बंटवारे को लेकर हुड्डा खेमे में काफ़ी तवज्जो मिली और कुमारी शैलजा अपने 8 से 10 करीबी नेताओं को ही बस टिकट दिलवा सकी। हरियाणा में 12 सितंबर को नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस ने टिकट की अंतिम सूची को जारी किया है और तब तक कुमारी शैलजा चुप रहीं। इसके बाद हुड्डा खेमे के समर्थकों की ओर से की गई टिप्पणी से शैलजा काफ़ी नाराज़ हैं और इसी के चलते उन्होंने चुनावी कैंपेन से भी दूरी को बना लिया और चुनाव से भी खुद को दूर बनाए हुए। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव की वोटिंग में सिर्फ 15 दिन का वक्त अब बचा हुआ है। कुमारी शैलजा किसी भी सीट पर प्रचार के लिए नहीं पहुंची हैं। शैलजा की चुप्पी से इन दोनों पार्टी की टेंशन बढ़ गई है और हुड्डा खेमे में बेचैनी लगातार बढ़ रही, क्योंकि उनकी चुप्पी से कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है और हुड्डा खेमे को सत्ता पाने की चाहत से दूर कर सकता है। वक्त की नज़ाकत को समझते हुए हुड्डा डैमेज कंट्रोल करने में अब जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि शैलजा पर भी कोई भी टिप्पणी नहीं की है और वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि शैलजा पर की गई टिप्पणी मैनिपुलेट होती हुई नजर आई। कुमारी शैलजा को हुड्डा ने अपनी बहन बताते हुए ये कहा कि वो कांग्रेस की सम्मानित नेता हैं, कांग्रेस का कोई भी नेता या फिर कार्यकर्ता उनके बारे में गलत टिप्पणी नहीं कर सकता। कुमारी शैलजा के बारे में यदि कोई भी किसी भी प्रकार की गलत टिप्पणी करता है तो उसका कांग्रेस पार्टी में कोई भी स्थान नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि आज हर किसी के पास मोबाइल है, हर किसी को मैनिपुलेट किया जा रहा है और उसको वो बताया जा रहा, लेकिन ऐसी मानसिकता का समाज या राजनीति पर कोई भी स्थान नहीं। विरोधी दल जानबूझकर इस तरह की साजिश कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस सत्ता में वापसी का सपना सजोए हुए है और हम वापसी जरूर करेंगे। लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद से ये उम्मीद कांग्रेस पार्टी की और बढ़ गई है और ऐसे में शैलजा की चुप्पी कांग्रेस के लिए चिंता का सबब बनती जा रही। कुमारी शैलजा और हुड्डा की सियासी अदावत भी जग जाहिर है और इसी तरह रणदीप सुरजेवाला को भी हुड्डा विरोधी गुट का माना जा रहा। कांग्रेस में इस तरह से अंतर्कला रही तो सूबे की सत्ता में वापसी की उम्मीद पर एक बड़ा ग्रहण लग सकता है, क्योंकि एक दूसरे के गुट के नेता एक दूसरे को जिताने के बजाय हराते हुए नजर आ रहे हैं। कुमारी शैलजा के चुनावी कैंपेन से दूरी बनाए रखने के चलते दलित समुदाय भी नाराजगी बढ़ सकती है और दलित वोटर किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत राज्य के अंदर बखूबी रखता है। 17 विधानसभा सीटें दलित समाज के लिए पहले से ही आरक्षित हैं और जहां पर दलित बहुल हैं, जबकि दलित समुदाय 35 विधानसभा सीटों पर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। शैलजा कांग्रेस की सबसे बड़ी दलित चेहरा है और उनके खामोशी से दलित वोटों में मैसेज सही नहीं जाएगा, जिसका डर कांग्रेस पार्टी को लगातार बना हुआ। कांग्रेस हरियाणा की सत्ता में वापसी के लिए पूरी तरह से जाट और दलित वोटों पर ही निर्भर है। जाट करीब 28% हैं तो दलित 21% हैं। इस तरह से कांग्रेस 50% वोट बैंक अपने साथ जोड़ने का लक्ष्य लेकर कार्य कर रही है और हरियाणा में
जब से बीजेपी ने गैर जाट राजनीति शुरू की है तब से कांग्रेस ने जाट के साथ दलित का समीकरण बैठाना शुरू कर दिया। इसी समीकरण के हिसाब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पार्टी का सर्वोच्च नेता बनाया गया है और उनके साथ दलित नेता चौधरी उदयवान को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा हरियाणा में कुमारी सैलजा भी कांग्रेस की दलित चेहरा है और वो भी कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य करती है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने हुड्डा और सैलजा की जोड़ी के दम पर बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। 2024 लोकसभा चुनाव में दलित जाट वोटों के दम पर ही कांग्रेस हरियाणा की 10 में से 5 सीटें जीतने में कामयाब रही। अब तक जो भी तस्वीर दिख रही है उसमें कांग्रेस दलित समीकरण साधने की कवायद में है और लोकसभा चुनाव में दलित मतदाताओं का रुझान कांग्रेस की ओर दिखा था। संविधान और आरक्षण बचाने के शोर के बीच देश भर के अंदर कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों को दलितों का वोट मिला, लेकिन सैलजा की नाराजगी अब कांग्रेस के लिए एक चिंता का सबब बनती जा रही। अगर कांग्रेस पार्टी को सत्ता में वापसी हरियाणा में करनी है तो तमाम नेताओं को साथ लेकर चलना होगा और उन्हीं के दम पर सत्ता वापस मिल सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहें न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।